सुरक्षा व पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार के जद में आने वाले क्षेत्र की स्थिति अगले 10 दिनों में साफ हो जाएगी। हवाई अड्डे के विस्तार को लेकर चले पैमाइश के कार्य को जिला प्रशासन द्वारा पूरा कर लिया गया है। सुरक्षा व पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार के जद में आने वाले क्षेत्र की स्थिति अगले 10 दिनों में साफ हो जाएगी। हवाई अड्डे के विस्तार को लेकर चले पैमाइश के कार्य को जिला प्रशासन द्वारा पूरा कर लिया गया है। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए जमीन की निशानदेही का काम 100% पूरा कर लिया गया है। राजस्व विभाग की टीमों ने पिछले 2 सप्ताह से जमीन की निशानदेही कर इसका खाका तैयार कर लिया है। इसके अलावा किस परिवार की कितनी जमीन प्रस्तावित हवाई अड्डा के दायरे में आएगी इसका काम भी लगभग पूरा हो गया है। ये बात जिलाधीश कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने कही। डीसी कांगड़ा ने कहा कि कुल कितनी जमीन और कहां तक हवाई अड्डे का विस्तार किया जाएगा इसके बारे में जल्द ही जानकारी सार्वजनिक की जाएगी ताकि लोगों में किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति न रहे। उन्होंने कहा कि आगामी 10 दिनों में गग्गल हवाई अड्डे के कुल क्षेत्र और कुल घरों दुकानों के बारे में लोगों को बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे में जिस किसी का मकान दुकान या जमीन आ रही है प्रशासन उन सभी से बातचीत करेगा। गौरतलब है कि कांगड़ा हवाई अड्डे के नए मास्टर प्लान में 3010 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे प्रस्तावित है। ये प्रदेश का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जो टर्मिनल आधारित होगा। जहाज के खराब होने की स्थिति में सर्विस ब्लॉक बनाया जाएगा जिसमें जहाज को ठीक किया जा सकेगा। एयरपोर्ट कर्मचारियों के लिए क्वार्टर भी यहां बनेंगे। मास्टर प्लान के तहत 396.05 एकड़ भूमि को जोड़ा जाएगा जबकि एयरपोर्ट के लिए कुल 552 एकड़ भूमि की जरूरत रहेगी। टर्मिनल बिल्डिंग के लिए 6000 स्क्वायर मीटर भूमि को रखा गया है। अग्निशमन केंद्र टेक्निकल ब्लॉक हैंगर और कमर्शियल एरिया इसमें शामिल रहेगा। इसमें ऐसा है कि जो हमारा ड्राफ्ट प्लान आया था उसके हिसाब से जो बाउंड्रीज हमारी डिमार्केट होनी थी वो तो हो गई है और लगभग 10 दिन का और कार्य बचा हुआ है जिसमें जो जिनको नेगोशिएट करना है उसके बारे में जो खाका है वो तैयार किया जा रहा है। तो 10 दिन के अंदर थोड़ी जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी कि कौन कौन सी जमीन अक्वायर की जाएगी। इसमें आ रहा है देखिए इसके बारे में तो अभी मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि अभी 10 दिन का कार्य और बचा हुआ है और 10 दिन के बाद जो भी जानकारी होगी वो आपके साथ साझा की जाएगी। दोनों चीज़ अभी जो है आपका एक तो कितना एरिया और उसमें इनमें ये जो एरिया है वो किसकी है किन किन लोगों का है और ये जो खसरे हैं जो जमीन है इसके ऊपर किस प्रकार के मकान किस प्रकार के व्यावसायिक संस्थान बने हुए हैं ये सारा जो खाका है वो पूरा तैयार किया जा रहा है और 10 दिन का शेयर किया जाएगा। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चलाए छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।